हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने सिलाई में 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डालने के बाद हमने एक सीधी सिलाई बना ली है। अब हम उल्टी सिलाई की तरफ आ गए। ये हमारी उल्टी सिलाई है, पहले 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। अब ये इसी तरह से हमने 2 उल्टे 2 सीधे पूरी सिलाई बनानी है। सिलाई के शुरू में हमने 3 उल्टे फंदे बनाए हैं और सिलाई के एंड में भी हमारे पास 3 उल्टे फंदे होंगे। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। पहली सिलाई सीधी हमने पूरी सीधी बनाई, दूसरी उल्टी सिलाई पर हमने 2 उल्टे 2 सीधे का पैटर्न बनाया। अब ये तीसरी सिलाई है, एक फंदा हमने उतार लिया। अब ये जो हमारा पीछे वाला, ये जो 2 सीधे फंदे हैं, इनमें जो हमारा बाद वाला फंदा है, इसे हम पिछली तरफ से पहले बना लेंगे और पहले फंदे को दूसरे की जगह बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से उल्टे फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। अब सीधे फंदों को सेकंड फंदा पिछली तरफ से पहले बना लेंगे, फिर फर्स्ट फंदा बनाएंगे, फिर 2 उल्टे सीधे फंदों में पिछली तरफ से सेकंड फंदे को फर्स्ट की जगह पहले बनाएंगे, फिर फर्स्ट फंदे को सेकंड की जगह बनाएंगे। ये इसी तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। सेकंड फंदे को हम पिछली तरफ से पहले बना लेंगे और फिर हम फर्स्ट फंदे को बना लेंगे। ये हमारी फोर्थ सिलाई है। इस पर जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है, हम उसे वैसे ही बना लेंगे। ये फर्स्ट की तरह ही बनेगी। पहले 3 उल्टे बनाए हमने, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे 2 सीधे। इसी तरह ये पूरी सिलाई बन जाएगी। जो फंदा हमें जैसा नज़र आ रहा है, वैसा बना लेंगे। अब ये सीधी सिलाई आ गई। सिलाई के शुरू में हमारे पास 3 सीधे फंदे हैं। अब इसमें से 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ये देखें, ऊन आगे करेंगे। अब ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा एक साथ करेंगे। सीधा फंदा ऊपर रहेगा, इसके लिए हमने सीधा फंदा उतारा, उल्टे को बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया। ये देखें, ये यहाँ पर इसके बदले की एक जाली आ गई। अब हम इस तरफ से ये उल्टे और सीधे फंदे को एक करेंगे, तो सीधे फंदे की तरफ से हम सिलाई डालेंगे और ये हमने दोनों को एक कर दिया। ये देखें, अब हमने यहाँ पर 2 जाली डालनी है, 2 बल लगाने। ये देखें, एक बार हमने ऐसे बल दे दिया और इसको ऐसे घुमा लिया। अब जब हम इन दोनों को एक करेंगे तो एक जाली और आ जाएगी। ये देखें, उल्टा फंदा बनाया, सीधे को हमने ऊपर से उतार दिया। ये बीच में हमारे पास 2 बल आ गए। ये इसी तरह से अब हमने बनाना है। अब इन 2 को एक करना है, तो हमने सीधे की तरफ से सिलाई डाली, उल्टे को साथ लेके ये बना लिया। अब फिर से हमने यहाँ पर 2 बल लगाने। अब ये सीधा फंदा उतारा, उल्टे को बनाया और ये सीधा इसके ऊपर से हमने उतार दिया। फिर ये देखें, दोनों सीधे फंदे के बीच में 2 बल आए जा रहे हैं। ये देखें, फिर ये सीधे की तरफ से सिलाई डाली, उल्टे को साथ मिलाया और एक कर दिया। अब ये फिर यहाँ पर 2 बल, ये सीधा उतारा, उल्टा बनाया, ये इसके ऊपर से उतार दिया। ये देखें, इस तरह से ये दोनों सीधे फंदे के बीच में ये 2 जाली आ जाएंगी और उल्टे फंदे ख़त्म हो जाएंगे। ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। ये सिलाई के एंड पर हम आ गए। अब ये 2 फंदों से पहले एक जाली आएगी। जैसे हमने शुरू में यहाँ 2 फंदों के बाद एक जाली ली थी, इसी तरह एंड में भी 2 फंदों से पहले एक जाली। अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई। ये
ये उल्टी सिलाई पर पहले दो फंदे हमने उल्टे बना लिए, अब ये जालीस का जो फंदा है इसे हमने सीधा बनाना है। ये फंदे दो हमने उल्टे बनाए, ये जाली का फंदा एक सीधा बनाया, अब इसको हमने इस तरफ से लेके सीधा बना देना है। इसको पलट लेंगे ऐसे और अब हम इसको सीधा बना देंगे इस तरह से। फिर ये दो उल्टे, ऊन पीछे की एक सीधा, और ये हमने पलट के इसी फंदे को दोबारा ये सीधा बना लिया। दो उल्टे, ये देखें, अब हमारे सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे आ रहे हैं और उल्टे के ऊपर ये हम जाली से दो फंदे सीधे बना रहे हैं। ये दो सीधे बन गए यहाँ, अब ये दो उल्टे, ये पूरी सलाई ऐसे ही बन जाएगी। जो हमने ये दो बल, ये देखें, जो ये हमने दो बल डाले थे, इसको खोल करके इसमें से हमने दो सीधे फंदे बना लेने, और ये जो फंदे हैं इन्हें उल्टे बना लेने। ये खोलकर इसको, जो दो बल डाले थे इसके हमने दो सीधे फंदे बनाने, और ये दो उल्टे। इसी तरह पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमारी ये एक जाली थी इसका हमने एक सीधा फंदा बनाया है, ऊन आगे कर ये दो उल्टे फंदे। अब ये देखें, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। जहाँ पर हमारे पहले सीधे फंदे थे उसके ऊपर अब उल्टे फंदे आ गए हैं, और जो ये हमारे उल्टे फंदे थे इसके ऊपर ये जाली से हमने बढ़ाकर सीधे फंदे बनाए। अब देखें, ये सीधी सिलाई आ गई। अब ये देखें, शुरू के जो ये सीधे फंदे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे। ये एक फंदा हमारा उल्टा बन जाएगा। अब ये जो दो फंदे हैं इनको फिर हमने चेंज करना है, दूसरे फंदे को पहले की जगह बनाना है और पहले को दूसरे की जगह बनाना है। ये देखें इस तरह से, ये चेंज आप कैसे भी कर सकते हैं। अब ये उल्टे फंदे, अब चेंज जैसे मैंने पहले बताया है वैसे भी कर सकते हैं, या पीछे से सिलाई डालकर पहले दूसरा फंदा बनाया और फिर ये पहला फंदा बना लिया, दोनों को उतार दिया, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने ये बल से दो फंदे बनाए थे ये उल्टे, और फिर ये जो सीधे फंदे हैं इन्हें हम चेंज कर लेंगे, दूसरे फंदे को पहले बनाएंगे और पहले फंदे को दूसरे की जगह बनाएंगे। इसी तरह से ये हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखें, सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई पर जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं उन्हें हम वैसे ही बना लेंगे। ये दो उल्टे एक सीधा, फिर दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे, ये पूरी सिलाई जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने, दो उल्टे दो सीधे की ये पूरी सिलाई बनेगी। सिलाई के शुरू में दो उल्टे और एक सीधा है, और इसी तरह से सिलाई के एंड में भी दो उल्टे और ये एक सीधा है। देखें, उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई है। ये दो फंदे हमने सीधे बनाए, ये सीधे के साथ, अब ये दो फंदे ये जो हमारे सीधे हैं पहले वाले सीधे के साथ उसके आगे वाला उल्टा दो का एक किया। अब बीच में हमने दो बल डाले, अब इस वाले सीधे के साथ इसके बाद वाला उल्टा हमने एक करना है। ये उल्टा हमने बनाया, सीधा इसके ऊपर से उतार दिया। ये देखें, अब ये सीधे की तरफ से सिलाई डाली, ये सीधे और उल्टे को एक कर दिया। अब इधर दो बल डालने, ये सीधा हमने उतारा, उल्टा फंदा बनाया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया। फिर ऐसे ही सीधे की तरफ से सिलाई डाली और ये उल्टे को साथ मिलाकर दो का एक कर दिया। फिर यहाँ पर दो बल डाले, ये सीधे को उतारा, उल्टे को बनाया
ये दोनों को एक कर दिया, फिर ये सीधे की तरफ से सिलाई डाली दो का एक, फिर यहाँ दो बल डाले, सीधा उतारा, उल्टा बनाया, ये इसके ऊपर से सीधे को उतार दिया। ये इसी तरह से हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अभी हमारी उल्टी सिलाई आ गई, सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। पहले तीन फंदे उल्टे बन जाएंगे, अब ये जो हमने दो बल डाले हुए हैं इनसे हम दो सीधे फंदे बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे, ये दो उल्टे हो जाएंगे, और ये जो हमने दो बल डाले हैं इसके हम दो सीधे फंदे बना देंगे, ये दो उल्टे। ये जो हमने दो बल डाले थे इसको खोलकर अब हम दो सीधे फंदे बना देंगे, एक बनाया, फिर ये पलटकर दूसरा बना दिया, और ये दो उल्टे, ये बल वाले फंदे दो सीधे बनाएंगे, फिर ऊन आगे करी, ये लास्ट के तीन उल्टे। अब फिर से हमारी सीधी सिलाई आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ये एक डब्बी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये सीधी सिलाई पर फिर हमने इन फंदों को बदलना है, सेकंड फंदा पहले की जगह और पहला फंदा दूसरे की जगह, उल्टे फंदे उल्टे ही बनेंगे, यहीं से फिर पैटर्न रिपीट होगा। अब मैं ये पैटर्न आगे आगे थोड़ा और आपको बनाकर दिखाती हूँ कि ये और बनने के बाद कैसा लगेगा। देखें फ्रेंड, जब हम पैटर्न को आगे आगे रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखें पैटर्न देखने में कितना सुंदर है और बनाने में कितना आसान है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मुझे अब फेसबुक और पिंट्रस्ट पर भी इजी निटर के नाम से फॉलो करें। इसके बारे में आपको लिंक मेरे ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।